अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर ट्रेड में थे, मगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मैं आपको मामा का दिखाने वाली हूँ। ये है मामा का ब्रेकफास्ट, चाय बाकरानी। यहाँ पर पड़ा है मेरा ब्रेकफास्ट। और फ्रेंड्स, कल हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तीन चीज़ें बल्कि, जिसमें से आई थिंक एक तो यूज़ हो गई या दो। मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ, ग्रॉसरी की चीज़ें हैं। दूध का पैक मंगवाया था, जिसमें से हमने थोड़ा सा, पता नहीं कितना यूज़ किया है। ये है दूध का पैक जो हमने मंगवाया था, और यहाँ पे कुछ यूज़ भी हो गए हैं। साथ में हमने दूसरी चीज़ मंगवाई है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ जल्दी बाहर आ जाओ। फ्रेंड्स, ये चीज़ देख के तो हमारा दिल खुश हो गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने इतनी अच्छी इलायची देखी है। ये हमने इलायची शुक्र दो मंगवा ली पैक। और फ्रेंड्स, ये सही यानी टेस्ट है इनमें इलायचियों का। वो जो दूसरी वाली होती है थोड़ी ड्राई, वो तो इजीली खा ली जाती है। ये थोड़ा मुझे इतनी एंड पे अच्छी नहीं लगी, मैंने मुंह में डाली है तो मैंने एंड पे फेंक दी है। यानी इतना इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। एंड जेजी के अभी भी मुंह में है, जेजी लव्स इलायची। ये देखिए हम मांग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, क्या चाहते हैं। सारा किचन क्लीन है, ये देख सकते हैं हम। ये देखिए क्लीन, बस ये एक फ्राई पैन है जिसमें मैंने अभी चाय बनाई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे बर्तन क्लीन। जी वो मेरा मशीन पे पड़ा, यहाँ पे क्लीन। फ्रेंड्स, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे जो जो होता है आपके साथ शेयर करते हैं। जोहर की नमाज पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हैं रिक्शा में चांद गाड़ी में। फ्रेंड्स, हम कहाँ जा रहे हैं आप गैस करें? आपने टाइटल या थंबनेल से शायद पढ़ लिया हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं ऑरेंज ट्रेन पे फाइनली। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और ये इतना लग्जरी था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी एयरपोर्ट पे आ गए। इतना अच्छा बना हुआ था, आप आगे देखेंगे ऑरेंज ट्रेन का भी सफ़र। और हम, मैं तो बस शौक की थी कि ये पाकिस्तान नहीं लग रहा था। सच में पाकिस्तान में ऐसी ट्रेन होना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अब फाइनली कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की जो बेस्ट चीज़ है ना, वो है ऑरेंज ट्रेन। आप में से कुछ लोगों के मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, आई एम श्योर। आपको पाकिस्तान की बेस्ट चीज़ क्या लगती है कमेंट सेक्शन में। ऐसा लग रहा है हम एरोप्लेन पर जा रहे हैं, उनका भी ऐसी होता है। हमें टोकन मिले हैं, और वहाँ पे ये स्कैन हुआ है यहाँ पे, और फिर ही हम आगे आ पाए। हम पहले एक्साइटमेंट में आगे चले जा रहे थे, और वो कहते हैं पीछे हो, पहले आपका ये स्कैन होगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएँगे और देखते हैं क्या सीन्स हैं ऑरेंज ट्रेन के। और हमें तो यहाँ से बड़ा ही लग्जूरियस लग रहा है, ऑरेंज ट्रेन लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी एयरपोर्ट पे आए हुए हैं। फाइनली क्या बोलते हैं, एस्केलेटर पर चढ़ गया है। वो स्टेप्स लेने वाला है, उसको नहीं पता, खुद ही चल रही है। इधर ट्रेन आने वाली है, और यहाँ से हम जाएंगे। फ्रेंड, हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा किसकी टिकट्स आ रही हैं। हाँ, 7 मिनट में आएगी ट्रेन। फ्रेंड, यहाँ पर ट्रेन आ रही है। दिस इज़ एन अमेजिंग फीलिंग फ्रेंड, मैं फर्स्ट टाइम इसमें बैठने वाली हूँ। इवन कि मैं कभी किसी भी ट्रेन में नहीं बैठी। आप बैठी हुई हैं? पता नहीं फ्रेंड्स, ये आप, ये ट्रेन है ना, तो आप बैठी हुई हो ट्रेन में कभी? हाँ बिल्कुल। अम्मा बताओ ना क्या कि आप कभी ट्रेन में बैठी है पहले? हाँ मैं तो बैठी हुई हूँ। एक ट्रेन नहीं है, अम्मा है यही ट्रेन है ना? फ्रेंड, यहाँ पे पीछे कॉन्स्टेंटली वो बोल रही थी कि आप बैठे रहें सीट्स पे, और अगले स्टेशन आने से पहले अपने दरमियान में स्पेस कम करें, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो भी बैठ पाएँ। और साथ में एक और वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रही थी कि स्टेशन और ट्रेन के दरमियान फासला है, जिससे ना नीचे रोड नज़र आ रहा था, तो वो ध्यान से आप उतरें या चढ़ें ट्रेन पे, क्योंकि नीचे शायद गिर भी सकते हैं, ऑब्वियसली गिर सकते हैं, इसीलिए वो कह रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी उनकी बातें। और फ्रेंड्स, मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यार। ये ऐसा एक्सपीरियंस है
कि अगर आपने कहीं नहीं भी जाना है तो आप ट्रेन का सफ़र ज़रूर करें। फ्रेंड मुझे नहीं पता कि आम जो ट्रेन होती हैं उनमें एसी होते हैं कि नहीं, पर इसमें एसी था, फुल चिल्ड था। और अगर उनमें नहीं होते तो इसमें आपको ये भी सहूलत दस्तयाब है। हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अम्मा नीचे ही है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं, ये बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था ऑरेंज ट्रेन का, आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स हम सोचे अब जहाँ पे भी जाना हो हम इस पे ही जाएँ, क्योंकि थम्स अप फॉर ऑरेंज ट्रेन। बस अपने स्टेशन पे पहुंच गए, आपको कहीं नज़र तो नहीं आ रहा। चले फ्रेंड्स पहुंच गए हैं, आप जो काम करने आए वो करते हैं, मेरा ख्याल है इसी पे ही वापस जाएंगे हम। फ्रेंड्स आपको ये भी बताती चलूँ, इसमें रोज़ 2.5 लाख लोग सफ़र करते हैं, और शायद इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है ट्रेन की टिकट। आपने कहीं पे भी जाना है आपको सिर्फ 25 रुपये एक पर्सन के, सिर्फ 25 रुपीज़ चाहिए सफ़र करने के लिए, और इतना चिल्ड, और आपको कोई ट्रैफिक में सिग्नल्स पे रुकना नहीं पड़ेगा, रश में, धूप में, एसी लगे हुए हैं और साथ में सब कुछ। फ्रेंड्स मज़ेदार, जो हमने काम करना था वो हमने कर लिया है, और अब हम अगेन जा रहे हैं ऑरेंज ट्रेन पे, घर जाके आपको मिलते हैं और अपना ऑरेंज ट्रेन का आपने हमारा एक्सपीरियंस देख लिया। ये जा रहे हैं मामा और जेजी। फ्रेंड्स थक गए हैं। फ्रेंड यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ कि हमने ओरिएंट ट्रेन का सुना हुआ था, लेकिन हम ओरिएंट ट्रेन का सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। रिसेंटली फ्रेंड्स हमें किसी ने एक्सप्लेन किया कि आपने किस स्टेशन पे जाना है, किस पे उतरना है, और कहाँ ओरिएंट ट्रेन का वो स्टेशन स्टार्ट होता है, या इवन जो भी। फ्रेंड्स तो इन्फॉर्मेशन हमें मिली और हमने कहा ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, हमें यहाँ पर जाना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपने मेरी ओरिएंट ट्रेन की पूरी वीडियो देख के एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकाल देना, आपने इसको ट्राई करना है और आपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। यहाँ पे ओरिएंट ट्रेन से उतरते ही यहाँ पे मशहूर है, शायद मामा ने एकदम नाम पढ़ा कि बाबे का ढाबा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या खाते हैं। अभी व्लॉग को मैंने कहा था एंड कर देंगे घर जाके, लेकिन यहाँ पे जो भी खाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं और शेयर करते हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। कुछ ऐसा माहौल आपने चौंकियाँ मार के बैठना होता है, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने अपने लिए मंगवाई है चीज़ बोटी और नान, मामा का कुछ नहीं खाना चाह रही, पता नहीं क्यों। हाँ फ्रेंड सेम मामा मेरे वाला, हाँ कोई ईरानी बोटी फ्रेंड, इनका बड़ा अच्छा सा मेन्यू यहाँ पे भी है। फ्रेंड ये भी एक और मेन्यू है, इनके पास पिज्ज़ा भी है, नाइस सैंडविचेस। फ्रेंड आपको यहाँ पे देसी भी मिल जाएगा और विदेशी विदेशी भी, क्या कहते हैं, मैंने ऑर्डर की है ये वाली चीज़ बोटी, मामा भी इनमें से कोई टिक्का बोटी या कुछ भी वनी रानी बोटी मंगवाने वाली है। फ्रेंड्स आज का दिन ही बहुत अच्छा था, पहले हमें इतनी अच्छी ओरिएंट ट्रेन मिली, उसके बाद इतना अच्छा ढाबा मिल गया, बाबे का ढाबा। फ्रेंड्स ये बड़ी मज़े की फील थी, यहाँ पे भी ढाबे पे आप आराम सुकून से घर वाला माहौल बना के बैठे हैं, आपके लिए कूलर भी लग जाएगा, यानी आपको अगर पंखा चाहिए या नहीं चाहिए, आपने सिर्फ आसमान के नीचे बैठना मच्छरों के साथ तो आप वैसे भी बैठ सकते हैं, आपने अगर मच्छरों के बगैर बैठना तब आपको कूलर भी लगा के दे सकते हैं और साथ में क्या बोलते हैं स्टैंड वाला पंखा भी। और फ्रेंड ये देखें मामा भी बैठी हुई हैं फुल चौंकी मार के, और बड़ी मज़े की फील थी ये। फ्रेंड्स मैंने पहले कहा कि इन्होंने गोल सराने रखे हुए, फिर मैंने कहा गोल तकिए रखे हुए हैं, और मामा ने फिर आगे से कहा गाओ तकिए इन्होंने रखे हुए हैं, तो मामा को बड़े अच्छे से पता था। फ्रेंड यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, और फ्रेंड्स ये चीज़ बोटी थी ना जो, फ्रेंड्स ये इतनी मज़े की इस बोटी की वजह से, चीज़ बोटी की वजह से ये वाला रेस्टोरेंट जो है ना लाहौर में मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट बन गया। थम्स अप फॉर बाबे का ढाबा। यहाँ पे हमने खाना खा लिया, और खाना फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, चीज़ बोटी वाज सो 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 गुड, चीज़ बोटी वाज सो 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 गुड, मस्ट ट्राई थी ये। और मामा को भी ऑब्वियसली लगा होगा खाना। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज दिस इज एन इंटरटेनिंग व्लॉगिंग चैनल। हाफिज़, बाय, लव यू ऑल।